हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेवी एमआर एयरफोर्स वाई ग्रुप और कोस्ट गार्ड के लिए जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपकी जो फिजिक्स है तीनों के कम्बाइंड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो एक बार चेक कर लें क्या उन्होंने बेल आइकन पर क्लिक किया है या नहीं। जब तक आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, तो बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लेग बीमारी किस से फैलती है, यानी कि किस के द्वारा फैलती है, मक्खी, मच्छर, कुत्ता, चूहा। तो प्लेग की मैं बात करूं तो ये चूहे होते हैं, चूहों में जो होने वाले पिस्सू होते हैं उनके द्वारा प्लेग बीमारी है जो फैलती है, ठीक है। कुत्ते के द्वारा रेबीज है जो वो होती है कुत्ते के काटने से, और यदि मैं बात करूँ मक्खी मच्छर होते हैं इनके द्वारा आपके मलेरिया होते हैं, ठीक है, डेंगू। नेक्स्ट है आपका गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है। तो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है जब भी हम किसी चीज़ को आगे को धक्का देते हैं उसमें एक पीछे को क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है, तो वही आपको इस क्वेश्चन के अंदर पुटअप किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण ऐसा होता है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट आपसे पूछा कि लोहों का अयस्क है, लोहों का अयस्क इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए आप जानते हैं जो हेमेटाइट है वो आपका किसका अयस्क होता है, लोहे का। जो आपका बॉक्साइट है ये किसका अयस्क होता है, बॉक्साइट होता है आपका एल्यूमिनियम का, और क्यूपराइट होता है आपका किसका, कॉपर का। कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होती है, हिट्रोसिस, युग्मन, माइटोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है, तोता उड़ना आरंभ करता है तो स्प्रिंग तुला का जो पाठ्यांक है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नो चेंज होगा, चाहे उस पर उड़े या कुछ भी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो वायु में नाइट्रोजन है जो 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन एक की बात करूं तो मैं ऐसे कौन सा रोग होता है आपका, रतौंधी, बी से होता है बेरी बेरी, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, और सी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। स्कर्वी रोग है वो किस में पाया जाता है, आमतौर पर नाविकों के अंदर पाया जाता है, जो नाविक होते हैं उसके अंदर जो रोग है वो क्या कहलाता है, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का MKS मात्रक क्या है। तो ये आप सभी को पता होगा बल का MKS मात्रक है न्यूटन। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जनरल साइंस के क्वेश्चंस में। और पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, दूरबीन, टेलीविजन, सूक्ष्मदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूरबीन। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है, तो देखिए भूकंप मापने का यंत्र है वो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दही की शुद्धता, दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ताप का सर्वाधिक सुचालक है, यानी कि ताप का सर्वाधिक सुचालक इनमें से कौन सा है। तो देखिए मैं बात करूं ताप और विद्युत का, ये दोनों का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, चांदी, ठीक है, अर्जेंटिनम, Ag। कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है, कैलोरी किसका मात्रक है, 28 क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कैलोरी किसका मात्रक है, तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। लीवर का मुख्य कार्य क्या है, लीवर यानी यकृत का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, पाचन क्रिया।
तो आज की वीडियो में के अंदर हमने 20 के समथिंग क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।